इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। गांधी के देश में गोडसे का इस्तकबाल। आज महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश। एक अजीम शख्सियत जिसे तारीख कभी भुला नहीं पाएगी। सरकारी तौर पर तो यौम पैदाइश मनाई गई, पर क्या वाकई आज भी मोदी सरकार महात्मा गांधी से उतनी मोहब्बत करती है जितनी होनी चाहिए? या फिर ये भी कहा जाए कि ये भी एक ड्रामा है, जैसे आजकल आम तौर पर ड्रामा रचाए जाते हैं। यह दौर ही कुछ और है, जहां देशभक्तों को देशद्रोही और देशद्रोहियों को देशभक्त बनाने की मुकम्मल साजिश रची जा रही है। महात्मा गांधी वह शख्स थे जो इंतहा ही अजीजी धीमी आवाज में गुफ्तगू करते थे, और सबसे अहम खसूसियत यह थी कि हर शख्स पर भरोसा करते थे। किसी दूसरे में बुराई देखना पसंद नहीं करते थे, दूसरे में वह सिर्फ अच्छाइयां देखते थे और इसी वजह से लोगों को बदल कर रख देते थे। इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बन गए। पर अफसोस का मकाम यह कहे या कुछ और, इस देश की बदकिस्मती है कि भारत का सबसे बड़ा और पहला आतंकवादी नथुराम गोडसे की जय जयकार की जा रही है। भारत जैसे लोकतंत्र में आज महात्मा को खलनायक और गोडसे को नायक बनाने की गोया होड़ लगी हुई है। इसी से पता चलता है कि देश की दिशा और दशा क्या हो सकती है। समझ में नहीं आ रहा कि अब तो लोगों ने खुलकर यहाँ तक के फेसबुक और व्हाट्सएप के DP पर भी गोडसे की तस्वीर लगा दी है। मतलब समाज में आज भी गोडसे जिंदा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं मौजूदा हुकूमत भारतीय रुपये से गांधी की तस्वीर को ही निकाल कर गोडसे की तस्वीर न लगा दे, क्योंकि अब तो देशभक्ति की व्याख्या ही बदलती जा रही है। महात्मा गांधी का कातिल नथुराम गोडसे की हिमायत कोई नया मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के देश विरोधी विचारधारा के लोग अपना सर उठाते रहे हैं। और यही वही लोग हैं जिनका इस देश की जंग आजादी में कोई किरदार नहीं रहा, बल्कि अंग्रेजों के ये मुखबिर हुआ करते थे। नथुराम गोडसे जिस तंजीम से वाबस्ता, उस RSS पर गांधी जी के कत्ल के बाद उस वक्त के वजीर खारजा ने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघ पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि संघ गोडसे से अपना ताल्लुकात का इनकार करता रहा है और अपनी सफाई को पोख्ता करने के लिए वह गोडसे को गांधी का हत्यारा मानता था और उसकी इसी हरकत की मजम्मत भी करता था। पर जब से मोदी हुकूमत का उरूज हुआ है, सभी गोडसे बाहर आने लगे हैं और गांधी को भला बुरा कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं कर पा रहे। आखिर क्या वजह है कि मरकज में जो भारतीय जनता पार्टी इख्तदार पजीर है, वो आने के बाद ही गोडसे जिंदाबाद के नारे बुलंद होने लगे और गोडसे जिंदाबाद का सिलसिला तेज हो गया? और शायद इसीलिए गोडसे का मंदिर बनाया जा रहा है, गोडसे की तस्वीर की पूजा की जा रही है, गोडसे की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उसे शहीद और स्वतंत्रता सेनानी कहा जा रहा है। मरकज में नरेंद्र मोदी सरकार इख्तदार पजीर होने पर ही यही देश विरोधी गोडसे भक्तों का उछलना ज्यादा हो गया। और यह ऐसे ही नहीं हुआ, क्योंकि मोदी सरकार गांधी विरोधी विचारधारा से मुतासिर है। ताज्जुब तो इस बात पर आता है कि किसी धर्म विशेष के लोगों को बात बात पर देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूछने वाले गांधी विरोधी और बापू के कातिल गोडसे जिंदाबाद के ना सिर्फ नारे लगाते हैं, बल्कि उसे शहीद कहकर उसका मंदिर बनाते हैं। तो इन्हें देश की जनता सवाल क्यों नहीं पूछती? क्यों इन्हें समाज से बाहर नहीं किया जाता? क्यों यह खामोशी फैली है? क्या वाकई गोडसे ने महात्मा के इस देश में अपना कब्जा जमा लिया है? महात्मा के कातिल और आतंकवादी गोडसे की औलादे समाज में बेझिझक दंदना रहे हैं और इन पर कार्रवाई तक नहीं होती। आखिर भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से इन्हें इस कदर नफरत होने के बावजूद इन पर किसी तरह का दबाव तक नहीं बनाया जाता? बेगुनाहों को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर सालों साल तक जेल में रखा जाता है और बेगुनाह कहकर इन्हें रिहा किया जाता है, पर सरेआम आतंकवादी गोडसे की हिमायत देशद्रोही न बन सकता क्या? यह सब जानबूझकर साजिश के तहत किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी यौम पैदाइश पर स्वच्छ भारत की झाड़ू सड़कों पर गंदगी हटाने के लिए करने से बेहतर है कि गांधी विरोधी गोडसे की विचारधारा पर घुमाए, ताकि जहनों में जो गंदगी नफरत किसी दूसरे समाज को लेकर भरी है दूर हो जाए। और महात्मा गांधी का यही खौफ था कि सभी जाति धर्म के लोग देश में मिलजुल कर रहे। एक तरफ स्वच्छ भारत के नाम पर सिर्फ तस्वीरें खिंचवाना और समाज में गोडसे की विचारधारा को फरोग देना, यही देशद्रोह है। आसमान से बापू देश की हालत को
देख रहे हैं, हम अगर आज भी गोडसे विचारधारा को नहीं रोकेंगे तो गोडसे हर घर में पैदा होगा और वह गांधी को हर रोज कत्ल करेगा। सभी देशवासियों से यह इल्तजा है कि हमारे समाज में जो गोडसे की औलादें पनप रही हैं, इसे रोकना होगा, इस देश विरोधी मानसिकता का मुकाबला करना होगा, वरना वह दिन दूर नहीं कि गोडसे की रिवॉल्वर हर एक को निशाना बनाती रहेगी। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने गांधी जयंती पर इस तरह ट्वीट किया है, बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल यानी विचारधारा तेरी आज भी जिंदा है, जिंदा ही नहीं देश पर झूठ और फरेब के बल पर वो अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।